प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आजकल मैं अपने गांव आया हुआ हूं विद फैमिली, और आजकल मैं गांव के ही ब्लॉग शूट कर रहा हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये गांव का नज़ारा, और चलो आज कुछ नया देखते हैं, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, गाँव में काफ़ी बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी ठंड भी पड़ रही है। और ऊपर जो चोपता तुंगनाथ वाली जगह है, वहाँ काफ़ी मात्रा में बर्फबारी भी हो रही है, और किस तरह से जनजीवन थोड़ा सा व्यस्त हो गया है ये देख सकते हैं बारिश। और ये सामने भाभी जी पेड़ पे पेड़ काटते हुए, ये देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में। और ये पराल लगाया हुआ है हमने पेड़ों पे, इसका इस्तेमाल कुछ दिन बाद होगा, ये देख सकते हैं सुंदर सा हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा पूरे वीडियो में। और ये बच्चे अंदर बैठे हुए, ये भी यहाँ पे आग सेक रहे हैं। और सामने किट्टू भी, ये देख सकते हैं किट्टू यहाँ पे, ये मयंक रावत हाई करते हुए आप सभी को। बारिश की वजह से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, और हम भी यहाँ पे आग सेकते हुए ये देख सकते हैं। और किट्टू को भी हमने नीचे ही नीचे किचन में ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ठंडा है तो बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए किट्टू भी। ये किट्टू हमारी तरफ कैमरे की तरफ लपकते हुए। ये किट्टू जो है ये अंदर रहना नहीं चाह रही है, वो बाहर जाने की जिद कर रही है, और इसकी वजह से मेरे को मम्मी ने डांट भी लगाई। और ये देखो ये रो रही है, ये जिद कर रही है बाहर जाने की। तो आप ही कमेंट करो, इसको समझाओ जरा क्या बात है, क्यों रो रही है, अंदर रहना चाहिए। यहाँ भी धुआं भी लग रहा है, और इसलिए ये सोच रही है कि मैं कब बाहर जाऊँ। और अंदर थोड़ा काफ़ी कंजेस्टेड हो गया कमरा, तो इस वजह से वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, धुआं, इस वजह से। गाना सुना रही है अब किट्टू, सुनाना बेटा। दोस्तों, इसका गाना आपको पसंद आया होगा, मम मम वाला गाना, आप जरूर कमेंट करें कैसा लगा, और कैसे लगे ये किट्टू और इसकी जिद और इसका रोना धोना। दोस्तों, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं किसी इसी तरह के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।